यह हो गए हमारे 11 स्वर, अ से लेकर अ तक। अब हम देखते हैं हमारे स्वर में दो स्वर और हैं जिनका नाम है अंग 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 अंग। चलो यहाँ देखते हैं ये किस चीज का चित्र दिखाई दे रहा है। अंगूर। क्या है ये? अंगूर। अंग से अंगूर। अंग से अंगूर। चलो इसका अंग 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 से नीचे की ओर एक आधा गोला, फिर ऊपर से नीचे की ओर आधे गोले से ऊपर गोला करना है, बीच में एक रेखा खींचनी है और ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी रेखा खींचनी है। अब ये पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? शीरो रेखा लगानी होगी। तो सीधी ऊपर से आगे से पीछे की ओर हमें एक शीरो रेखा खींचनी है। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, हमें क्या करना है, सब टिकली लगाते हैं ना माथे पर, उसी तरह यहाँ पर हमें एक बिंदु बनानी है गोल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अंग 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 अंग। बच्चों ये हमारा अह है। अह 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 अह। यहाँ ध्यान दो, अब इसे किस तरीके से हमें लिखना है, ऊपर से नीचे की ओर एक आधा गोला बनाना है, फिर ऊपर से नीचे की ओर पूरा आधे गोले से ऊपर तक जाना है, बीच में हमें एक रेखा खींचनी है और ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा खींचनी है। अब ये पूरा हो जाए इसलिए हमें क्या करना होगा, ऊपर की ओर आगे से पीछे एक रेखा खींचनी है जिसे हम कहते हैं शीरो रेखा। तो ये हमने यहाँ पर आगे से पीछे की ओर एक शीरो रेखा खींच ली। अब ये देखो बच्चों यहाँ पर वहाँ पे हमने अंग में एक बिंदु लगाई थी जो हमने सर पे लगाई थी, पर अहाँ में आपको क्या करना है, पीछे की ओर दो बिंदु बनाने हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक बिंदु बना दिया और यहाँ पे भी एक हमने बिंदु लगा दिया। तो ये हमारा हो गया अह 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 अह। अब बच्चों अंग और अह स्वर में लिखे तो जाते हैं, परंतु इन्हें स्वर में हम गिनती नहीं करते, इसके पीछे एक कहानी है। चलो मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। बच्चों ये जो अंग और अह है ना, वो इस तरीके के हो हैं जिसे हम कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ये जो अंग और अह हैं वो इस तरीके से हैं, इस तरीके के दिखते हैं जिसे हम कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं बच्चों, वो 2 और 3 महीने के बच्चे हैं। ये बिना किसी वर्ण की सहायता से खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने स्वर में ये जो अ है ना, अ से मदद मांगी और फिर अ ने इन्हें मदद किया, इस वजह से ये पूरा एक वर्ण बन गया। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अयोग वाह। क्या कहते हैं? अयोग वाह। अयोग वाह क्या होता है बच्चों, कि जो अ के संयोग से जिसका वाह होता है, मतलब अ के मदद से इस ये पूरा जो वाह उच्चारण किया जा रहा है, इस वजह से इसे अयोग वाह कहते हैं। इसलिए अंग और अह को हम स्वर में अयोग वाह कहते हैं, कि मतलब अ के संयोग से ये वर्ण पूरा हुआ है, इसलिए ये अंग और अह कहलाता है।